Hello students, in this video we will continue further with atomic structure. So this probably would be the last video on atomic structure या फिर इसके बस ये खत्म होते होते बहुत ही छोटा सा पार्ट बच जाएगा. ओके, सो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? सी मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है वो मैग्नेट के साथ एसोसिएटेड होता है. व्हेन वी टॉक ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना कि जो मैग्नेटिक होते हैं, जैसे आयन है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. अच्छा, बस आयन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं. सो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आयन की तरह नहीं होते, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट और दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे आयन है. तो उस वैसे मटेरियल्स को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. So, ये दोनों टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, आई कैन से आर दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो हम लोग ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं दे आर मैग्नेटिक इन नेचर. अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इनफैक्ट वहां से थोड़ा सा रिपेल होता है. ऐसे मटेरियल्स होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, दे आर ओके नॉट अट्रैक्टेड और दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड या बाय मैग्नेट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा. फेरोमैग्नेटिक को अलग से मत कंसिडर करो, ये दोनों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना. तो आई जस्ट यूज द वर्ड पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक. सो हाउ कैन यू डिटरमाइन वेदर अ गिवन मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स को स्टडी किया गया एंड इट वॉज फाउंड दैट द एटम्स which have unpaired electrons will be paramagnetic in nature. Okay, तो वो जो material होगा वो paramagnetic होगा. So जिस भी atoms के अंदर unpaired electrons present है वो paramagnetic होगा. अच्छा, जिन भी atoms के अंदर सारे electrons paired है, no unpaired electrons, तो वो डायामैग्नेटिक होगा. ओके, सो बेसिकली कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है विल डिपेंड अपॉन वेदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हम लोग आयन की बात करें, ओके, तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन का एटॉमिक नंबर इज 26. तो आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन का क्या होगा? आर्गन 3d6 4s2. दिस विल बी आर्गन, वन टू थ्री फोर एंड 4s2, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन एंड टू. Now you can see that आर्गन तक सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली भरे होते हैं ना, इनर्ट गैस में सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होता है. तो इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. अच्छा, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एंड ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है. तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे एंड एक यहां पे. सो दीज आर द फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट वी हैव. सो आयन हैज गॉट, आई विल से, फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि चार है, पांच है, एक है, दो है, एज लॉन्ग एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
that material will be paramagnetic. So that material will be attracted by magnetic field. So that is why iron is attracted towards the magnetic field. But इसी respect में अगर जो हम लोग zinc की बात करें, zinc जो है इसका atomic number is 30. So when we talk of zinc, Zn का electronic configuration होता है argon 3d10 4s2. So this is argon 3d10. So 3d के अंदर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4s2, 1 and 2. Now ये जो है यहां पे यू कैन सी दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड यू हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Now since you have zero unpaired electrons, zinc जो हो जाएगा, this will be diamagnetic in nature. I hope you are understanding this. So when we talk of a magnetic moment बस हर बार paramagnetic या ferromagnetic materials के लिए ही बात की जाती है. Okay? क्योंकि magnetic moment जो है वो magnetic property से associated होती है, and यही दो materials होते हैं जो magnetic field की तरफ attract होते हैं. डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. सो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू एस लिखते हो. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को यू राइट इट एज म्यू एस. फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल म्यू एस इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो है म्यू एस, हमने ये देखा कि म्यू एस की वैल्यू जो होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है. So, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना म्यू एस, इसकी जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे यू नो हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आपको पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. सही से ऑफ बॉ सीरीज को यूज करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे एंड जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने आप गिनोगे. ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस आपका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना वो एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा होता है, म्यू एस इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाय 2πmc इंटू एस इंटू एस प्लस 1. ओके, इसको हम लोग अलग तरह से ऐसे भी देख सकते हैं, n into n plus 2 bm, बोर मैग्नेटोन. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस. सी इसके क्या कहते हैं, हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा सकते बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस. ओके, सो इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग पहले तो यूनिट्स देखेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिट्स. सी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसके जो यूनिट्स होते हैं इसके होते हैं यूनिट्स एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. ओके, सो सिमिलरली इसके जो यहां पे यूनिट्स होंगे दिस विल बी इक्वल टू एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. ई इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी इज स्पीड ऑफ लाइट. क्वेश्चन इज व्हाट इज एस. ओके, सो एस इज बेसिकली द टोटल स्पिन. ओके, अब ये टोटल स्पिन जो है ना ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. बट बिफोर वी फाइंड आउट द टोटल स्पिन, ये नंबर ऑफ ये क्या कहता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज योर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. एंड ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन. दिस इज बोर, दिस इज अ डिफरेंट यूनिट. ओके, ये अलग यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन. एंड यहां पे एन जो होता है, दिस एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. Now, how do you find out total spin or how do you find out number of unpaired electrons? See, number of unpaired electrons तो आपको पता है कि कैसे calculate करना. So, to find out number of unpaired electrons, आपको क्या करना होगा?
write down electronic configuration, write down electronic configuration, and electronic configuration likhne ke baad what you should do is Ofbaugh series use karo, orbital diagrams banao. Orbital diagrams matlab I am saying talking about boxes, so orbital diagrams, that is boxes. And ye banane ke baad you can count number of unpaired electrons. अब ये जो टोटल स्पिन होता है ना, टोटल स्पिन कैसे निकाला जाता है? इट इज वेरी सिंपल. सी, यहां पे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है? प्लस हाफ. हम लोग यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्पिन हमेशा प्लस हाफ लिखते हैं, प्लस हाफ. तो आपका टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट इज टोटल स्पिन बिकम्स इक्वल टू टू. सी, इन दोनों के स्पिन एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे ना, ये प्लस हाफ स्पिन है एंड इसका जो स्पिन है दैट इज माइनस हाफ, तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ वुड बी जीरो. तो इसके वजह से, इस ऑर्बिटल के वजह से कोई भी स्पिन नहीं आएगा. जहां जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही टोटल स्पिन में कंट्रीब्यूट करता है. एंड यू कैन सी दैट योर टोटल स्पिन इज इक्वल टू टू, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज फोर. तो मैं 4 को अगर जो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 2, राइट? 4 इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इज द टोटल स्पिन, सो आई कैन फाइंड आउट टोटल स्पिन s. आप स्पिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? n इंटू 1 बाय 2. सो टोटल स्पिन इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 बाय 2. ठीक है? सो आइदर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला यूज करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये ही यूज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज. ओके, ठीक है. नाउ अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट इट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो मटेरियल डायामैग्नेटिक होगा. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो एन जीरो हो जाएगा, एन जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा. तो फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. ओके, अब ना हम लोग और एक व्हाट डू यू से, एक हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे. आपको याद है हमने ऑलरेडी दो एंगुलर मोमेंटम्स देखे हुए, हम लोगों ने और एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिट पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई. फिर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिटल पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाय टू पाई. अब उसी तरह से हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम. एंड ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बाय टू पाई. ओके, सो ये इतना ही पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर होता है. एस इंटू एस प्लस वन, वेर एस इज योर टोटल स्पिन. एंड आपको पता है टोटल स्पिन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये सारी चीज आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, उसके लिए ऑफबॉ सीरीज यूज करोगे, ये बॉक्स वाले डायग्राम्स बनाओगे, एंड उसके बेसिस पे यू कैन काउंट आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये कुछ नए टर्म्स है, आपको ये नए टर्म्स जो है वो याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दीज न्यू टर्म्स. ओके, फाइन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोड्स. नाउ नोड्स क्या होता है? सी, हम लोग जब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज बेसिकली अ रीजन
इट इज अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, दैट इज हाउ यू डिफाइन ऑर्बिटल. सो इट इज रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई. सो ऑर्बिटल को हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं ना कि मान लो कि ये अगर जो आपका न्यूक्लियस है एंड इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये बन जाएगा आपका ऑर्बिटल. ओके, नाउ नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर बेसिकली द रीजन्स और द पॉइंट्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, प्रोबेबिलिटी इज जीरो, जहां पे यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कि इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी देयर. ओके, सो ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जो रीजन होते हैं, इनको कहा जाता है नोड्स. ओके फाइन. नाउ हम लोगों ने उस दिन वेव फंक्शन डिफाइन किया था. सो वेव फंक्शन हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो ये होता है, दिस इज योर वेव फंक्शन. ना ये वेव फंक्शन का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो दिस स्क्वायर टेल्स यू समथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. एंड किसी भी रीजन में अगर जो किसी भी छोटे से, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास मान लो आपने ये इतना सा रीजन बनाया एंड आपको अगर जो इस रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एट अ डिस्टेंस आर, तो आप ये करते हो ना 4πr² dr. दिस इज कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी. रेडियल प्रोबेबिलिटी क्योंकि इसको कहा जाता है, ये आपको क्या देगा पता है? दिस टर्म विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस एंटायर टर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये साइज स्क्वायर आपको बस बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. बट किसी भी रीजन के अंदर अगर जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एट अ डिस्टेंस आर, तो उसके लिए आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड दिस वे. दिस इज हाउ यू मेजर रेडियल प्रोबेबिलिटी. नाउ यू कैन सी दैट जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जाएगा, आपकी ये रेडियल प्रोबेबिलिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो आई कैन से रेडियल प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस. अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? जैसे जैसे आर डिक्रीज होता जाएगा, आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. अब आर डिक्रीज होता जाएगा मतलब आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आओगे तो आपका आर जो है वैसे कम 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 होता जाएगा ना. नाउ जब आप न्यूक्लियस को ही टच कर जाओगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? सो आई कैन से एट न्यूक्लियस वैल्यू ऑफ आर is equal to zero. So if value of r is equal to zero, if I put r as zero, so I can say radial probability of finding electron inside the nucleus is equal to, आप r की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये आपका पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी भी जो है वो जीरो हो जाएगी. सो इनसाइड द न्यूक्लियस इज जीरो. सो विच मीन्स न्यूक्लियस के अंदर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाएगा. यू विल नॉट फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज जीरो. ठीक है, अब ना हम लोग ग्राफ्स बनाते जाएंगे, एक तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ. ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेट्स मेक दैट.
सो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एस ऑर्बिटल का शेप आपको पता ही है, स्फीयरिकल होता है। तो ये अगर जो आपका न्यूक्लियस है, तो इस सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यू कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन इन 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 दिस एंटायर रीजन। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज बेसिकली साई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो दिस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, तो ये ग्राफ नेगेटिव साइड पे तो जाएगा ही नहीं, करेक्ट? स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, एंड दिस इज योर रेडियस आर। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, फॉर एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम इनसाइड द न्यूक्लियस। तब किसी भी शेल का एस ऑर्बिटल ले लो, 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम इनसाइड द न्यूक्लियस। आप कहोगे कि सर थोड़ी देर पहले तो कहा था इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी इज जीरो, तो यस प्रोबेबिलिटी इज जीरो, बट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, दोनों में फर्क है ना। ओके, सो फॉर एस ऑर्बिटल आपका जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कैसा होगा पता है? सो आपका जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ ऐसा होगा। सो पहले तो 1s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं। सो जब ये इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो 1s ऑर्बिटल के लिए जो ग्राफ था, दिस ग्राफ वाज ऑब्जर्व्ड दिस वे। ओके, नाउ ये ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा है। व्हाट इट मींस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये आर है। सो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की तरफ जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ओके, अब अगर जो आपको प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी वाला जो ग्राफ है ना, वो प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ अलग होता है। हमें ये पता है कि व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज जीरो। तो ये यहां पे व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, अब हम लोग जो प्लॉट कर रहे हैं दैट इज बिटवीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो दैट इज साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा होगा जहां पे ये प्रोबेबिलिटी पीक हिट करता है, दिस इज। ओके, ना यहां पे जहां पे ये पीक होता है ना, पीक होता है मतलब ये जो आपका डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट एज आर नॉट। सो आई विल से दिस इज द रेडियस ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। ओके, सो बेसिकली एट दिस डिस्टेंस, लेट्स से एट अ डिस्टेंस आर नॉट, अगर जी यहां पे आप एक ऐसा छोटा सा शेल बनाते हो, ये एंड ये ऐसा शेल है आपका, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ का जो पीक है वो इस डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ऐसे 1s ऑर्बिटल जो है, दिस इज द ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल। सो फॉर 1s ऑर्बिटल द रेडियस ऑफ 1s ऑर्बिटल इज आर नॉट। सो बेसिकली आप रेडियस कैसे निकालोगे, जहां पे भी ये प्रोबेबिलिटी ग्राफ मैक्सिमम हिट करता है, जहां पे भी प्रोबेबिलिटी ग्राफ ये मैक्सिमम हिट करता है, दैट बिकम्स योर रेडियस। ओके, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ 1s ऑर्बिटल। ओके ओके, इसके बाद वी विल टॉक अबाउट 2s। अब हम लोग 2s की बात करते हैं। ओके, अब 2s ऑर्बिटल की बात करें, तो 2s ऑर्बिटल के लिए ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज आर,
दिस इज साई स्क्वायर। ओके, वापस एस ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होती है वो यहां पे न्यूक्लियस पे होती है। ये ऐसा ग्राफ होता है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर 2s ऑर्बिटल। ये आपकी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। अब अगर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है तो साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये जो होता है दिस इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी। अगर जो साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है तो यहां पे जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सो ये वो पॉइंट है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। अगर जो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है यहां पे, तो दिस विल बिकम अ नोड। सो यू कैन सी दैट अपार्ट फ्रॉम ये एक नोड है, इसके अंदर ऐसा जैसा कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो नहीं थी। प्रोबेबिलिटी जीरो थी तो न्यूक्लियस तो वैसे ही सब ऑर्बिटल्स के लिए न्यूक्लियस विल एनीवे बी अ नोड। ओके, उसको छोड़ दो। बट फिर आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे बाहर निकलोगे तो एट अ डिस्टेंस, लेट से दिस डिस्टेंस इज R1। ओके, सो एट अ डिस्टेंस R1 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, राइट? बिकॉज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो। तो ऐसे पॉइंट को आपको नोड कहोगे। अब 2s ऑर्बिटल के अंदर ओनली वन नोड इज प्रेजेंट। एंड इस नोड को कहा जाता है दिस इज योर रेडियल नोड, क्योंकि हम लोग डिस्टेंसेस की बात करें ना, न्यूक्लियस से एट ए डिस्टेंस R1 अ नोड इज प्रेजेंट। सो दिस बिकम्स योर रेडियल नोड। सो देर इज आई कैन से वन रेडियल नोड प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल। ओके, अगर जो आप 3s ऑर्बिटल देखोगे ना, तो 3s ऑर्बिटल के अंदर दो नोड्स होंगे, उसका ग्राफ ऐसा होगा, फिर और एक नोड होगा, एंड फिर ये ग्राफ ऐसे आगे जाएगा। ओके, आपको अगर जो यहां पे प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना है, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाया। आपको अगर जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा होगा? ओके, अब प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना है तो ये आपको पता है कि न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां पे भी नोड है तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी जीरो है। ओके, एंड फिर ये ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो ये जो आपका पॉइंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये पीक का जो भी मैक्सिमम होता है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ 2s ऑर्बिटल। ठीक है, सो नाउ वी नो दिस। 3s ऑर्बिटल है तो दो नोड्स होंगे, 4s ऑर्बिटल है तो तीन नोड्स होंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड आउट रेडियल नोड्स? आप रेडियल नोड्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हो? तो रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स दो टाइप के नोड्स होते हैं, इनको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। लेट्स डिस्कस दैट फॉर्मूला नाउ। जो रेडियल नोड्स होते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स आपको ये बताता है कि एट व्हाट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी बिकम्स जीरो। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है? तो रेडियल सिंपली इंप्लाइज डिस्टेंस। ओके, एंड व्हेन आई से एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड ये बताता है आपको कि कौन से एंगल पे एट व्हाट एंगल प्रोबेबिलिटी बिकम्स जीरो। व्हाट एंगल प्रोबेबिलिटी बिकम्स जीरो। ओके, सो अगर जो हम लोग रेडियल नोड्स की बात करें तो रेडियल नोड्स को फाइंड आउट करने का, सो
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन. ये फॉर्मूला होता है वेयर एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज सिंपली इक्वल टू एल. ओके, सो देयरफॉर आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स. सो एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, सो दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन. दीज आर टोटल नोड्स. ओके, सो तीन अलग फॉर्मूलेज है. रेडियल नोड्स ये है, एंगुलर नोड्स ये है, एंड टोटल नोड्स इन दोनों का एडिशन है. ओके, हम लोग ना ऐसे और डायग्राम्स देखेंगे और केसेस के लिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल लुक एट फ्यू मोर डायग्राम्स. अभी बस इन फॉर्मूलेज को यूज कैसे करना है वो देखता है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 4D सबशेल है या 4D ऑर्बिटल, तो 4 है तो n इज इक्वल टू 4. डी सबशेल है तो l की वैल्यू जो होगी दैट इज 2. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? सो व्हेन वी टॉक ऑफ रेडियल नोड्स, ये रेडियल नोड्स हो जाएंगे n माइनस l माइनस 1. सो 4 माइनस 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? दिस इज इक्वल टू l, दिस इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स वुड बी हाउ मच? टोटल नोड्स विल बी इक्वल टू, आप इन दोनों को ऐड करो तो दिस विल बिकम 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. ओके, सिमिलरली अगर जो किसी s ऑर्बिटल की बात करें, अनादर एग्जाम्पल, लेट्स से 4s ऑर्बिटल है. ओके, तो 4s ऑर्बिटल के अंदर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है. रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. सो 4 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 3. एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, l की वैल्यू 0 है तो दिस विल एनी वे बी अ 0. टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू 3 प्लस 0 दैट इज 3. सो यहां पे इस डायग्राम के अंदर ये जो सारे नोड्स होते हैं ना, ये सारे रेडियल नोड्स ही होते हैं. एंगुलर नोड्स यहां पे हम लोग नहीं दिखाते. ठीक है, के देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. चलो देन, बाय एवरीवन.